नाजरीन, मुर्शिद हॉस्पिटल के इस वक्त लीलन एंड लॉन्ड्री इंचार्ज मोहम्मद जुहेब हमारे साथ मौजूद है। मोहम्मद जुहेब से भी पूछेंगे उनकी जर्नी किस तरह से स्टार्ट हुई। सबसे पहले मैं मोहम्मद जुहेब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहूँगी। अस्सलाम वालेकुम जुहेब, कैसे हैं आप? जुहेब, मुझे थोड़ा सा आप ये बताएं, लीलन एंड लॉन्ड्री व्हाट इज़ दिस, ये सब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीलन एंड लॉन्ड्री, लॉन्ड्री तो वही जो हमारे यहाँ क्लीनर का काम करते हैं, यानी धोने धुलाई का काम, कपड़े धोने का काम, इसमें ये होता है। और लीलन यानी चीज़ें प्रोवाइड करना पेशेंट्स के हवाले से, फिर पूरे हॉस्पिटल में उसमें बेडशीट, यूनिफॉर्म, पिलो कवर्स, कंफर्ट ब्लैंकेट, कर्टन्स, पेशेंट्स के बेड के ऊपर कर्टन्स होते हैं वो प्रोवाइड करना, ये सारा मेरी, ये सब आपके जिम्मे आता है। तो किस तरह से ये आप सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है मुर्शिद हॉस्पिटल इतना बड़ा इदारा है कि एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए कम अज़ कम एक वक्त दरकार होता है, तो आप सारी चीज़ें कैसे देख रहे होते हैं? माशाल्लाह मेरे पास पूरी टीम है, इसमें हम 6 से 7 लोग हैं इसमें, तो वो मेरे साथ 24 घंटे में होते हैं, सारी चीज़ें वो प्रोवाइड करते हैं हम पेशेंट्स को। तो इजी ये कट जाएगा, डोंट वरी। तो 24 घंटे में यही 6-7 लोग हैं, उसमें टेलर भी हैं हमारे पास और बाकी रनल भी हैं। तो पेशेंट्स को दिन में 3 से 4 बार बेडशीट चेंज होती हैं। अच्छा। 2 से 3 बार यूनिफॉर्म चेंज होते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी जिम्मेदारी है, मेरी टीम की जिम्मेदारी है, हम खुद जाते हैं, स्टाफ को प्रोवाइड करते हैं, उनको देते हैं। जहीब, आप कब से ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मुर्शिद हॉस्पिटल में? 6 साल से। किस तरह से जो है आपका आगाज़ हुआ मुर्शिद हॉस्पिटल में एज ए इंचार्ज? बस जैसे सबका नहीं, मतलब एक होता है ना, आपने कहीं से सुना मुर्शिद हॉस्पिटल के हवाले से, या आप बस आए और आपने एज ए इंचार्ज ही स्टार्ट लिया, या पहले आप किसी और डेजिग्नेशन पे थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रमोशन हुआ? डेजिग्नेशन पे आया, पोर्टर, एज अ पोर्टर के डेजिग्नेशन पे आया। सही। फिर सर काशिफ साहब ने जो है ना, उन्होंने आगे बढ़ने का मौका दिया मुझे, तो भरोसा था और काफ़ी हिम्मत भी दी। मैंने तो काफ़ी कहा कि मुझसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उन्होंने मौका दिया, हिम्मत दी। सही। जुहेब, मैं जानना चाहूँगी, अब जाहिर सी बात है जो चीज़ आप कर रहे होते हैं, लाइक बेड शीट हो गई, पेशेंट का यूनिफॉर्म हो गया, अगर से मैं बात करूँ लॉन्ड्री के हवाले से, ये जब सारी चीज़ें क्लीनिंग के लिए जा रही होती हैं, तो आप कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन से केमिकल्स ऐसे यूज़ करते हैं? पेशेंट को तो कोई इससे इफेक्ट नहीं होता, उनके लिए होते वो नहीं होता कि आगे जाके उनको नुकसान दे। अक्सर होता है ना, जब चीज़ें धुलकर आ रही होती है उनमें एक स्मेल सी रह जाती है केमिकल टाइप की, तो आप किस तरह से सारा प्रोसेस देखते हैं? ये जैसे नॉर्मली घर के चीज़ें केमिकल इस्तेमाल हो रहा है वही इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी नॉर्मली इसमें कुछ ज़्यादा वो चीज़ नहीं कर रहे कि जिससे किसी को इन्फेक्शन हो या इस तरह की चीज़ें हो। इसमें हमारी कोशिश ये होती है कि बाहर की जो पेशेंट के घर की चीज़ हो वो यूज़ ना हो, क्योंकि अगर वो यहाँ यूज़ होगी हॉस्पिटल में तो वो चीज़ घर जाएगी, किसी और को वो इन्फेक्शन हो सकता है। हमारी कोशिश यही होती है, CEO साहब की भी यही हमारे को यानी एक बताया गया कि यही कोशिश करें कि सारी चीज़ें अपनी तरफ से प्रोवाइड करें आप। सही। डॉक्टर काशिफ के हवाले से आपकी क्या राय है? काशिफ साहब काफ़ी बेहतरीन इंसान, मैंने उनको पाया अपनी ज़िंदगी में, ऐसे CEO साहब मैंने नहीं देखे, यानी काफ़ी जगह मैंने बड़ी जगहों में काम किया। यानी मैं आपको ये बता दूँ, कल रात को उन्होंने मुझे 10 बजे खुद अपने मोबाइल से मैसेज किया कि जुहेब साहब आपका कल इंटरव्यू होगा। अच्छा। इस पोस्ट पर कोई इतना नहीं करता किसी के लिए, यानी मैं एक लीलन इंचार्ज, इतनी छोटी पोस्ट और वो एक CEO इतने बड़े इदारे के, तो मुझे काफ़ी खुशी होती है और उनसे काफ़ी सीखने को मुझे मिला, काफ़ी सीखने को। सही। नाजीन, जुहेब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जो कि मुर्शिद हॉस्पिटल में इंचार्ज हैं, बतौर लीलन एंड लॉन्ड्री के जो मामलात होते हैं वो ये सारी चीज़ें खुद देख रहे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा ख़ास ख्याल रखा जाता है इन सारी चीज़ों का। इसी के साथ साथ मैं चाहूँगी कि आप भी मुर्शिद हॉस्पिटल जैसे इदारे को सपोर्ट करें, और अपनी होस्ट अंबर ज़ुबैर को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।